खबर ब्रेक न्यूज शाम लेकर काशपीर। यहाँ दोस्त मैं आपको बता दें कि ओमिक्रोन की दहशत के बीच कर्नाटक तेलंगाना में कोरोना विस्फोट, 112 छात्र मिले पॉजिटिव पे ओमिक्रोन वायरस के। जानिए पूरी जानकारी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे, इसलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपने हमारे यूट्यूब चैनल टेक कंपनी हिंदू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर में लिखा हुआ सब्सक्राइब में क्लिक करिए, पास ही बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के बीच कर्नाटक से एक सरकारी स्कूल और तेलंगाना में एक मेडिकल कॉलेज में कोरोना विस्फोट के मामले सामने आए हैं। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक के चिकमंगलुरु के एक सरकारी आवासीय स्कूल के 59 छात्र के साथ ही 10 शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं तेलंगाना के करीम नगर के चलमेडा आनंद राव मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट में 43 छात्र कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक के चिकमगलुरु के शीर्ष जिला अधिकारी ने बताया कि किसी भी संक्रमित वायरस के लक्षण नहीं पाए गए थे। चिकमगलुरु के उपायुक्त के एन रमेश ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि चिकित्सा दल तैनात किए गए हैं और एम्बुलेंस को स्टैंड बाई पर रखा गया है। इसी बीच स्कूल जिसमें 450 निवासी छात्र नामांकित हैं को सील कर दिया गया है और इसे सैनिटाइज कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि संक्रमित छात्रों और कर्मचारियों को छात्रावास के एक हिस्से में क्वारंटीन पर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, वहीं तेलंगाना में बोपनकंगल गांव के मेडिकल कॉलेज में 43 छात्रों में कोरोना संक्रमण सामने आने के बाद अभी विस्तृत जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट मेडिकल हेल्थ ऑफिसर ने रविवार को बताया कि फिलहाल कॉलेज की ओर से बाकी जानकारी दी जानी है। तेलंगाना में सोमवार तक कोरोना के कुल 3,787 एक्टिव केस थे। वहीं अभी तक राज्य में कोरोना से कुल 3,999 मरीजों की जान जा चुकी है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। रोजाना ऐसी ही नई नई वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टेक कंपनी हिंदू को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, पास ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को अपना कीमती समय देने के धन्यवाद। आपका दिन अति शुभ हो।